गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है वर्किंग हार्ड वर्सेस वर्किंग स्मार्ट। देखिए, कई सालों से ये डिबेट चलता रहा है और ज्यादातर जो दुनिया में माना जाता है कि हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, और ये बात 100% ट्रू है, पर स्मार्ट वर्क भी आपको सक्सेस दिला सकता है, और अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन करें तो आप जीनियस कहलाते हैं। तो इस डिबेट के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, और वो है ये। जैसे कि मुझे एक छोटा सा रूम या घर बनाना है, और उसके लिए फॉर एग्जांपल हमें 100 ब्रिक चाहिए, मतलब 100 ईंटें मुझे चाहिए ये कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए। अब मैं दो लोगों को बुलाता हूँ और उनको कहता हूँ कि मुझे ये 100 ब्रिक चाहिए, आप मुझे किस प्राइस पे दे सकते हैं। तो पहला डीलर मेरे पास आता है और वो ये कहता है कि सर, मैं आपको ये ब्रिक 5 रुपये में दे दूंगा और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 रुपये होगा, मुझे 1 महीना लगेगा ये सारी ब्रिक्स क्योंकि मैं खुद बनाऊंगा और आप मुझ पे ट्रस्ट करिए, तो प्लीज मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दीजिए आपकी 100 ब्रिक्स का। ठीक है, ये पहले इंसान की डील थी। फिर दूसरा डीलर आता है मेरे पास और वो आके ये कहता है कि सर, मैं आपको ये 100 ब्रिक जो है वो 6 रुपीज़ में दे दूंगा प्लस 2 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और मुझे सिर्फ 1 वीक चाहिए ये डिलीवरी करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं, क्योंकि मुझे तो वैसे भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी करना है, तो मैं दोनों को ही मेरा ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। तो देखिए, पहला ऑर्डर मेरा है 7 रुपये विथ डिलीवरी 100 ब्रिक्स जो मेरे घर पर मुझे मिल जाएगी, और सेकेंड ऑर्डर है मेरा 8 रुपीज़ में 100 ब्रिक्स का जो भी मुझे मेरे घर पे मिल जाएगी। पहले और दूसरे ऑर्डर में सिर्फ यही फर्क है कि 1 रुपी का, पर उसके बदले में मुझे जो 1 महीने बाद मिलने वाली थी ब्रिक, उसकी जगह 1 वीक में पहला 100 ब्रिक का इंस्टॉलमेंट मिल रहा है। तो ये दोनों डील मैंने ले ली। अब इन दोनों डील में बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि पहला इंसान जो है वो खुद जाता है, वो हर एक ब्रिक खुद बनाता है और पूरे ध्यान और उसका पूरा नॉलेज, आर्ट और सब क्रिएटिविटी लगा के वो ये ब्रिक बनाता है। दूसरे इंसान में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जाता है, वो मार्केट में 4-5 लोगों से पूछता है और वो ट्राई करता है कि वो 3 या 4 रुपए में एक ईंट, एक ब्रिक खरीद ले किसी ऐसे ही अच्छे क्राफ्टमैन और अच्छे डीलर से, और सिर्फ वो उसका पर ब्रिक 1 या 2 रुपए प्रॉफिट का मार्जिन रख ले और सीधा मुझे ट्रांसपोर्ट कर दे। तो सेकंड केस में क्या हुआ कि उसे प्रॉफिट कम हो रहा है पर उसे वर्क भी कम करना पड़ रहा है, और यहीं पे आता है बेसिक डिफरेंस इस लाइफ का। देखिए, फर्स्ट केस में जो व्यक्ति है वो पूरा महीना उसका बुक कर देता है मेरे लिए, मेरा एक प्रोजेक्ट लेके, जबकि सेकंड केस में जो व्यक्ति है वो मेरे जैसे 5 या 10 कॉन्ट्रैक्टर ढूंढता है पूरे महीने में, और दूसरे जो सप्लायर्स हैं उनसे मुझे ज्वाइन करता है ताकि उसे हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता बिल्कुल भी, पर वो एक नया पाथ क्रिएट करता है जिससे वो पहले इंसान से ज़्यादा कमा सकता है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसका दूँ, तो जैसे कि मेरे केस में मुझे एक यूट्यूब चैनल बनाना था, और कोई भी चैनल या कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरी तरह और कोई व्यक्ति है जिसे भी यूट्यूब चैनल बनाना है, पर उसको भी इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है और मुझे भी इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है। अब वो इंसान क्या करता है कि वो पूरा दिन नोट्स बनाता है, प्रेजेंटेशन तैयार करता है, पावर पॉइंट, एक्सेल, सब कुछ, और फिर वो जाके वो अपने इन्वेस्टर्स यानी कि उससे जो भी रिलेटेड लोग हैं जो उसे पैसा दे सकते हैं उन्हें जाके वो कन्विंस करता है। अब अगर उसने 1-2 वीक या 1 महीना ये सारी प्रेजेंटेशन स्लाइड सब कुछ बनाया और यदि फिर इन्वेस्टर उसे पैसा नहीं देते हैं तो क्या वो पूरा वर्थ इट था? तो उस केस में हम देख सकते हैं कि काफ़ी हार्ड वर्क तो दोनों ही कैंडिडेट ने किया है। मेरे केस में मैंने क्या किया कि इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है, उनका नाम आगे बढ़े वो एक्सपेक्टेशन होती है। तो मैंने वो पॉइंट कंसिडर किया कि क्या मेरे चैनल में, क्या मेरे कंटेंट में दम है, क्या मुझे ये करना चाहिए फुल टाइम, क्या ये करने के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि व्हाई डिड आई जॉइन यूट्यूब, काफ़ी पुराना है पर आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि अगर मुझे ये चैनल भी अच्छा चलाना है, अच्छा कंटेंट देना है, तो उसके लिए मुझे भी कई साल, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद मुझे रिटर्न मिलेगा, तो ये मैं एक पर्सनल रिस्क उठा रहा हूँ और मेरा टाइम और पैसा मैं एक डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहा हूँ। जैसे कि एक और बहुत फेमस कहानी है जो इंडिया में कई बार सुनाई जाती है, वो है ये कि विनोद कांबली जो क्रिकेटर थे वो सचिन से बहुत ही अच्छा खेलते थे क्योंकि वो टैलेंटेड थे, पर सचिन क्योंकि ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे और सचिन भी उतने ही टैलेंटेड थे, तो सचिन दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन बने। हार्डवर्क और टैलेंट पर भी मैं एक वीडियो करूँगा, पर आज के वीडियो में
अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ले सकते हैं तो वो यही है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन ही आपको सक्सेस दिलाएगा। देखिए, अगर सिर्फ हार्ड वर्क करने से पैसा या सक्सेस या लाइफ के ड्रीम्स पूरे होते तो जो सड़क पे जो इंसान सुबह से शाम जो वो खड्डा खोद रहा है तो वो सबसे दुनिया का रिच और इंटेलिजेंट और सबसे सक्सेसफुल इंसान होता। पर ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। ये दुनिया में यदि आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू डू बोथ। आपको दोनों चीजें करनी है। यू हैव टू वर्क स्मार्टली। आप अगर इस दीवार में छेद करना चाहते हैं तो आप दो ऑप्शन है, या तो आप आपकी उंगली से पूरा दिन वो दीवार में आप उंगली करते रहिए जैसा कि लोग कहते हैं, या फिर आप एक खिल्ली लीजिए, एक हैमर लीजिए और एक बार में आप वो खिल्ली लगा सकते हैं, छेद कर सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है घूम फिर के कि आपको स्मार्टली हार्ड वर्क सही दिशा में करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।